डिस्कशन है आज फिर से थोड़ा वेपर प्रेशर के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं और वेपर प्रेशर के ऊपर का जो डिस्कशन है जरा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर को मैं कैसे लगा, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा आपको राउंड्स में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक एक का आपको रिव्यू करा दूं वेपर प्रेशर के बारे में। देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे ये आपके पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक, टाइम जीरो है, अभी इसकी कोई वेपर नहीं बच, तो इसका मतलब यहाँ कोई वेपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, यहाँ खाली है, बिल्कुल एम्प्टी, राइट। अब थोड़ा समय बीता, कितना, T1 टाइम बीत गया, T1 टाइम बीतने पर अब कुछ वेपराइज हुआ, उस समय यहाँ मैंने प्रेशर जो मेन देखा वो देखा मैंने कितना, P1 एटमोस्फेयर, राइट। उसके बाद थोड़ा समय और बीता जिसको मैंने T2 टाइम कहा, तो उस समय यहां प्रेशर हो गया T2, राइट। समय कुछ और बीतता है और उस समय के बाद, यानी कि उस समय को मैंने कहा टी इक्वलम, क्योंकि उस टाइम के बाद वेपर प्रेशर चेंज होना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यहां प्रेशर कम था या बढ़ा, फिर और बढ़ा, और एक मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो फिर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। और ये जो प्रेशर है इनको एक तरीके से मैं कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर, या ऐसा कहिएगा कि जब मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर हो जाए, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट। ये अब इसी को थोड़ा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की यदि मैं चर्चा करता हूं ना, तो यहां दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। यदि हम वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दिस मैं अब आपको पढ़ाना चाहता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को यदि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिर एक बार सॉल्यूशन को समझें कि सोल्यूट और फिर ये सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्यूशन को बनाने के। पहला तरीका ये है कि आप सॉल्यूट कैसा ले लें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लें, और सॉल्वेंट कैसा ले लें, वोलेटाइल, तब एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि मैंने ग्लूकोज को हमने ऐड कर दिया वाटर में, क्योंकि वाटर का कुछ वेपर प्रेशर तो होगा, वाटर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट तो नहीं, वाटर, ठीक है, वाटर में कुछ ना कुछ तो वेपर बनेंगे, भले ही वेपर कम है लेकिन कुछ वेपर्स बनेंगे। तो इसका मतलब है कि नॉन, इसको हमारा जो सॉल्वेंट है वो तरीके का वोलेटाइल है, धीरे धीरे उसको कुछ पेपर बनती है, उसमें हमने ग्लूकोज डाल दिया, या मैंने यूरिया डाल दिया, या मैंने सुक्रोज डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं और ये एक सॉल्यूशन बनता है। मुझे जहां तक लगता है कि हमें ये सॉल्यूशन, एक केस ऐसा होता है कि आपके दोनों कॉम्पोनेंट ही वोलेटाइल होते, सोल्यूट जिसे आप कहते हैं वो भी वोलेटाइल और जिसे सॉल्वेंट आप बोलते हैं। जैसे एक तरीका मैं आपको बता दूं, बेंजीन है, ठीक, और बेंजीन को मैंने डाल दिया टॉल्विन में, राइट, और जब बेंजीन को टॉल्विन में डाल दिया तो सॉल्यूशन यहां बना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं, तो दो केसेस मेरे सामने आते हैं। पहला केस जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, दूसरा केस जब आपका जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट आपका है वो कैसा है, सोल्यूट इज वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, बात समझ में आती। तो ठीक है, हमें ये दोनों बातें समझ में आती, जैसे मैंने एग्जांपल बेंजीन का होता है। चलिए इसी चीज को थोड़ा और, अब हम केवल इस केस को पहले डिटेल करेंगे फिर इसको करेंगे।
तो ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कौन सा केस लिया। मैंने जो केस आपके सामने रखा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि जो सॉल्यूट है आपका वो नॉन वोलेटाइल है। जैसे ग्लूकोज को मैंने पानी में ऐड कर दिया या यूरिया को पानी में ऐड कर दिया, चलिए ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि मैं इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से इसका कर सकूं। जैसे मेरा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो कैसा है, हमने जो सॉल्यूट लिया है वो सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल, दिस इज नॉन वोलेटाइल नेचर, और सॉल्वेंट की नेचर मैंने कह लिया वोलेटाइल, राइट। अब ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, ये क्या है, सॉलिड। तो हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और लिक्विड, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, ठीक है, ये बात ही समझ आती है। वेपर प्रेशर जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्वेंट का, पी नॉट ए, राइट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट के मोल कितने हैं, एक्चुअली आपने सॉल्यूट का डब्ल्यू बी ग्राम डाला और उसका मोल की वेट एम बी है, मोल उसके है। इसी तरीके से डब्ल्यू ए एम ए और ये एम ए, ये इसका, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करें, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यदि मैं इनके मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो ये मैंने सॉल्यूट के मोल लिए, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल, ये समझा। अब ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, इसको मैंने किससे डिनोट किया है, इसको डिनोट किया है मैंने एक्स से, किसको, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया है, एच पी से, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ी चीजें और आपको सिखाते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, दिस इज सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट में जब मैंने इसको ऐड किया जिसका की वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट ए, राइट। तो पी नोट ए वेपर डालने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो हो गया पीएस, ठीक है। यहां मैं जो चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये कि वेपर प्रेशर घट रहा है, ठीक है, ए यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो फिर हम ये समझने की कोशिश ना करें कि ये वेपर प्रेशर सॉल्यूट के डालने से घटा क्यों, चलिए इसको समझते हैं। जब मैं आपको फैक्टर्स पढ़ा रहा था कि जिन जिन फैक्टर से वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, यानी ये, तो वहां था आपके पास टेम्परेचर, ठीक, और एक था नेचर, नेचर। अब ऐसा होता है कि हमारे पास ये दो तरीके हैं इसको बात को करते हैं। कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं कि जिस समय सॉल्यूट यहां पर हम डालते हैं तो सरफेस एरिया कम हो जाता है जिससे एवपोरेशन का रेट कम हो जाता है और हम ये मानते हैं कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसका एक और पहलू भी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ, ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन बना लेता है और उसके इंट्रैक्शन बनने से इसका टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाती है और जब टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि जब हम कोई सॉल्यूट डालते हैं, जब हम कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और वेपर प्रेशर यहां ये सॉल्वेंट का है, किसका है, सॉल्वेंट का। और ये जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं ये है सॉल्यूशन का, किसका है,
सॉल्यूशन का डिफरेंशियल, राइट। ये बात भी समझ आ जाती है। हम लोग थोड़ी सी चीजों को और समझे, अब इसको थोड़ा सा मैं तरीके से और आगे चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। अब टॉपिक मैंने जो डिस्कस करना है आपके साथ, उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव लॉगरिथम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो मैंने अभी आपको सिखाया उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे को बताया कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर 3 नोट है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, और लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी होगी भैया, पी नोट था, पी नोट ए था, पीएस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ये लॉगरिंग हुई। सपोज हम ये मान के चले कि यदि मैं ऐसा आपके सामने कहूं कि पी नॉट ए सपोज 100 है, 100 ml, राइट, सॉल्यूट के डालने के बाद पीएस कितना हुआ, 80 हो गया। तो मुझे बताइए कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कितना कम है, 20 कम है ना, तो यानी कि दिस माइनस दिस, इसको हम क्या बोले, इसको बोले लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एक शब्द यहां पे यूज हुआ है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉगरिंग। अब जो ये रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर है, यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूं, यस, तो हमारा ये लॉगरिंग हुई थी और ये आपका सॉल्वेंट था, इसका जो रेशियो है लॉगरिंग से सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं क्या, लॉ रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर, राइट। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं राउल्ट्स लॉ पर, तो मैं आगे एक और चीज सिखाते हैं, जरा उस चीज को भी आप समझिएगा। यहां एक टॉपिक है छोटा सा कंसेप्ट जिसको मुझे अब आपको सिखाना है, उसके बाद में आगे चलूंगा। एक हम टॉपिक हम जो एक बेसिक है ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक्चुअली में अप्लाई होता है, जो राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है वो फॉर लिक्विड टू लिक्विड, यानी कि जहां फॉर लिक्विड, यानी कि ये अप्लाइड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि जो अप्लाई कहां कर रहे हैं आप, किसी सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड होना चाहिए और जो सोल्यूट है, सॉरी सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड, तब इसको हम लगाते हैं। चलिए, अब उसने लिखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको समझने वाला है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको समझिए। अब ऐसा है, इस चीज को मैं कैसे समझाता हूं कि हमने कहा कि जो आपके पास ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझिएगा जरा, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिया मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जहां इसके प्रोपोर्शन है, और मैंने यहां पर के से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया, इसका प्रोपोर्शनैलिटी
कॉन्स्टेंट।